यार बैड़ा हो गया कुर्बान, ठीक है। और मैं सबको ईद मुबारक कहना भूल गया, ईद उल अज़हा सब व्यूअर्स को मुबारक हो। तो गाइस बैड़े और छतरा हो चुका है, ठीक है। अब गोश्त बांटने की बारी मेरी है क्योंकि सारे सो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो गाइस आज बकरा ईद है, चांद रात की हम वीडियो नहीं बना सके जानवरों की क्योंकि बहुत बिजी थे, हमारे दो जानवर थे, अभी आपको उनका शो करवाता हूँ, ठीक है। माशाल्लाह, और अभी पूरी रात उठे रहे हैं, फुल नींद आ रही है इस वक्त। अभी मैं सोया हुआ था, अभी सो के उठा हूँ। अभी फजर की नमाज़ का टाइम हो गया, 5 बजे हैं। अमार भाई ने सारा सिस्टम ठीक ही है, ये अमार भाई की हालत चेक कर सकते हैं आप। करना हम सब ने था लेकिन हम सारे सो गए, कदूस और मैं। अमार ने अकेले ने सारा साफ किया, ये सारा ये सड़कें हमने बंद की हुई थी दोनों साइडों से माशाल्लाह। और ये चेक कर सकते हैं, ये हमारा बोलू खड़ा हुआ है, इसका नाम भी हमने बोलू रखा है। आज अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा, इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। आपने मेरी शॉर्ट वीडियोस देखी होंगी इसके साथ, इसके साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो यहीं से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस अभी जल्दी से रेडी होते हैं क्योंकि दादा अबू नमाज़ पढ़ के आते हैं, तो उन्होंने फिर बोलना कि रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक। फिर हम अमार भाई भी रेडी होने जा रहे हैं, उनकी हालत गवार हो चुकी है अभी, और इसको तो इससे मिले नहीं हैं आप, ना मैंने इसका व्लॉग बनाया है। देख रहे हैं अभी खाना खा रहा है माशाल्लाह, अल्लाह कुर्बानी कबूल करे। और यही वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस हमें जल्दी से स्टार्ट रेडी होता हूँ, फिर आपको मिलते हैं, नमाज पढ़ने से पहले मिलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस देख सकते हैं ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी अब ये बैड़ा जा रहा है, बच्चे सारे आ गए हैं वापस, ये कसाई सारे आ गए हैं। कैसा फील हो रहा है, ये जा रहा है बंदे हैं, इधर मुंह करके बोलना। अब ये बैड़ा अंदर जा रहा है, कसाई तैयार हो गए हैं। इस पे बस हमें दुख होगा इसके साथ, इसके पास मैं बैठा हूँ, बस अब वो बैड़ा जाता है। ये कसाइयाँ तैयारियाँ शुरू कर दी, कसाई दरवाज़ा खुल चुका है। चलो इसको आखिरी चक्कर तो लगवा लो, जानवर अंदर जा रहा है। यार बैड़ा हो गया कुर्बान, ठीक है। और मैं सबको ईद मुबारक कहना भूल गया, ईद उल अज़हा सब व्यूअर्स को मुबारक हो, ठीक है। और अब मुझे इसकी बहुत यार याद आएगी, उस पर तो दादा अबू ने कहा पूरी वीडियो बनानी है, तो मैंने पहली दफ़ा बैड़े को जीवा होते हुए देखा। और अब ये रह गया, इसकी हमने दरख्वास्त की थी कि इसको अगले साल कर देंगे, छोटे भाई के दोस्त ने दरख्वास्त की थी अगले साल कर देंगे दादा अबू से, लेकिन दादा अबू ने कहा कि नहीं। और ये फराज आ गया, इसने भी सारा बैड़ा देखा। हाँ कैसा महसूस हुआ देख के? और ये भी आ गया, कैसा महसूस हुआ तुझे भी देख के? हैं अच्छा महसूस नहीं हुआ? अभी इसने भी होना है? नहीं नहीं इसने भी होना है, अभी दीवा अभी हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में इसको भी कर देंगे दीवा। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बस अब इसका थोड़ा प्यार शेयर कर लें इसको अब।
ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं यार। तो गाइज मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि कपड़े गंदे हो रहे थे, काम करवाना पड़ता है। और अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने नानचे ने। बाकी जो दूसरे बंदे हैं जैसे मामा वगैरह और दादा वगैरह, वो तो तिल्ली खाते हैं, तिल्ली कहते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, जो शुरू में जब पकती है बैठेगा कुछ पकता है तिल्ली खाएंगे वो। लेकिन हम जो हैं बहन भाई जो हैं सारे वो नानचे ने खाएंगे। अभी वो लेने जा रहा हूँ, ठीक है, कपड़े चेंज कर लिए हैं तो फिर। और ये छतरा ये हमारा खड़ा हुआ है, बस थोड़ी देर बाद इसकी भी बारी आ जाएगी, ज़्यादा रोना नहीं है हमने, ठीक है। तो अब नाश्ता करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता मैंने अपने रोने को कितना कंट्रोल किया है। बैठा हमारे साथ बहुत ज़्यादा मनहूस हो गया था, बहुत कंट्रोल किया है मैंने। दादा को ऊपर से कह रहे थे काम करो सारा, अभी भी चेक कर सकते हैं गोश्त बन रहा है अंदर इसका, कदूस भी नहीं अंदर जा रहा, हम भी नहीं अंदर जा रहे क्योंकि देखा नहीं जा रहा हमारे से। बाकी अल्लाह कुर्बानी कबूल करे, और जिन लोग सब व्यूअर्स ने की है उनकी भी अल्लाह कुर्बानी कबूल करे। तो गाइस बैठे और छतरा हो चुका है, ठीक है, अब गोश्त बांटने की बारी मेरी है क्योंकि सारे सो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ गोश्त बांटने, ठीक है, गोश्त बांटने की भी ड्यूटी है, उसके बाद सफाई की भी ड्यूटी है, वो भी सारी मैंने अब करनी है। कुदूस भी सो गया, मार भी सो गए हैं, बाकी आप देख सकते हैं मैं गोश्त लेके जा रहा हूँ। आज की रूटीन बस यही है, गोश्त कभी कभी छतरे को ज़िबा करवा रहे हैं, वो आपने पहले ही देख लिया होगा। तो यार पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया, अब दूसरी सप्लाई की तरफ जा रहे हैं। फिर दादा अबू ने दो काम सौंपे हैं, दादा अबू ने दो काम कहा है, बस उधर गोश्त देंगे एक तरफ दे दिया है, अब दूसरी तरफ रह गया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह बहुत ज़्यादा धूप निकल आई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं छतरे के साथ अकेला बाहर बैठा रहा था, तो अब मौसम बहुत अच्छा है। और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 6 hours later तो गाइस मैं गोश्त लेके आके सो गया था, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, खाना खाया है रात, अभी उठ के खाना खाया, 1 बज रहा है रात का। और अभी यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मार और कदूस पूरा दिन सोते रहे और मैं भी सो गया था आके। तो ऐसा व्लॉग था, मिनी व्लॉग, कुर्बानी का जानवर ज़िबा हुआ है बस। और यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।